एनडीए गठबंधन का जो स्वरूप है वो अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। देखिए एक और पार्टी है भारतीय जन परिवार पार्टी, पृथ्वी मालिक की हम बात कर रहे हैं, वे भी अब पूरी तरीके से जमीन पर एक्टिव हो चुके हैं। 3 लोकसभा सीटों पर उनका दावा है और बीते कुछ दिनों में 2-3 दिन पहले ही उनकी संजय जायसवाल से दिल्ली में मुलाकात हुई है, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या जिन 3 सीटों पर बीजेपी भारतीय जन परिवार पार्टी दावा कर रही है, बीजेपी सच में उस पर कुछ सोच विचार कर रही है क्या। ये भी खबरें आए कि पृथ्वी माली की बहुत जल्द अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। अब एनडीए गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन सी पार्टियां उसमें होंगी, इसको लेकर लगातार बीजेपी की जो बैठक है वो भी दिल्ली में चल रही है। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा और अब पृथ्वी कुमार माली की एंट्री भी एनडीए में बहुत जल्द औपचारिक तरीके से होने जा रही है। 3 सीट जिनका बार बार हम जिक्र करते हैं, बक्सर, झंझारपुर और दरभंगा, वो सीटें होंगी जिस पर पृथ्वी कुमार माली के प्रत्याशी 2024 में एनडीए के सिंबल पर एनडीए गठबंधन में रहकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि माली जाति जिन्हें सैनी भी कहते हैं उसी समाज से पृथ्वी कुमार माली आते हैं और बीते कुछ सालों से लगातार बिहार में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। सिर्फ जमीन नहीं तलाश रहे हैं बल्कि उनकी पार्टी जो है वो लगातार विस्तार कर रही है। बक्सर की अगर हम बात करें, सिर्फ बक्सर लोकसभा की, तो बक्सर लोकसभा में करीब 50,000 के आसपास माली का वोट है और इससे अधिक वोट माली समाज का दरभंगा विधानसभा से आता है जहां से खुद पृथ्वी कुमार माली आते हैं और यही गुणागणित जो है वो झंझारपुर में है। तो बिहार के 40 लोकसभा सीट पर माली जाति जिनकी आबादी बिहार में 2.5 से 3% के आसपास है, वो अगर बीजेपी के साथ मिल जाती है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बेहद अच्छी खबर हो सकती है एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है वो फिलहाल कमजोर है, महागठबंधन की तरह मजबूत नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में कई दल हैं और बड़े दल हैं, चाहे जदयू हो, राजद हो, माले हो, यानी सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल हो, कांग्रेस, तो ऐसे बड़े दल महागठबंधन में है। तो दूसरी तरफ एनडीए जो है वो भी अपना आप स्वरूप धीरे धीरे बनाने में लगा हुआ है। जीतन राम मांझी हो, उनकी भी बात लगातार बीजेपी से चल रही है, चिराग पासवान की बात भी चल रही है और इसी बीच पृथ्वी कुमार माली की मुलाकात बिहार के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से दिल्ली में हुई, जिसके बाद इस कयासों का जो बाजार है वो गर्म हो गया कि क्या बीजेपी जो है वो भारतीय जन परिवार पार्टी यानी पृथ्वी कुमार माली की जो पार्टी है उस पर सोच विचार कर रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। प्रणाम, उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।